हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, और एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो केयर टेकर या जो नौकर होते हैं, वो अगर उस प्रॉपर्टी की जो देखभाल करते हैं, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, और उन्होंने कहा है कि केयर टेकर और नौकर चाहे कितने भी साल जिस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हो, उसमें रह रहे हो, लेकिन वो कभी भी उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो एडवर्स पजेशन लॉ है, तो वो आखिर है क्या। तो एडवर्स पजेशन लॉ ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में रहता है 12 साल से अधिक के समय में रहता है, और वहां पर उस मालिक को पता है कि वो कोई और व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी में रह रहा है, लेकिन उसे हटाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं करता है, कोई केस नहीं करता है, तो 12 साल के बाद यानी कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के लिए मालिकाना हक के लिए दावा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो केयर टेकर है और नौकर है, उनके ऊपर ये एडवर्स पजेशन लागू नहीं होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये केयर टेकर और जो नौकर है, उसकी अपॉइंटमेंट मालिक के द्वारा की गई थी, इसीलिए ये एडवर्स पजेशन के अंदर नहीं आता है। यानी केयर टेकर और नौकर चाहे कितने भी साल उस प्रॉपर्टी की देखभाल करे या उस प्रॉपर्टी में रहे, वो कभी भी मालिक नहीं बन सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता का जो फैसला था, उसे निरस्त कर दिया, पलट दिया, और ये बड़ा जजमेंट दिया। ये जजमेंट हिमालय विंट्रेड एंड जाहिद वर्सेस जाहिद का जो जजमेंट है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप अगर पूरी डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तो नोटिफिकेशन तुरंत पा सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।